जनवापी में पूजा करने के कोर्ट की अनुमति के बाद अब इस मामले में एक बड़ा विवाद शुरू हो गया है। दरअसल जनवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने एक सनसनीखेज दावा किया है। विष्णु जैन ने कहा है कि हर दिन जनवापी में नमाज अदा करने के लिए आने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से लगातार ऐसी कोशिशें की जा रहे हैं ताकि छत को ध्वस्त कर दिया जाए और वहां पूजा को रोका जा सके। कि जहां पे इस समय सैलार में पूजा पाठ चल रही है उसके ऊपर नमाज पढ़ी जा रही है, भारी मात्रा में नमाजी आ रहे हैं और ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है कि वो छत कभी भी गिर सकती है जिससे बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है, पूजा रुक सकती है। इसलिए हमने माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन दी है कि वहाँ पे जो छत है उसको प्रोटेक्ट किया जाए और जो भारी संख्या में वहाँ पे लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं छत के ठीक ऊपर, उनकी जो क्वांटिटी है उनको कंट्रोल किया जाए जिससे जो कोर्ट का ऑर्डर है उसकी कंप्लायंस हो सके। तो ऐसा हमने प्रार्थना पत्र कोर्ट में दायर किया है और मुझे उम्मीद आगे आने वाले समय में उस पर हियरिंग होगी। आपको लगता है ये प्लान्ड है? देखिए, जैसे जब से माननीय डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर आया 31 जनवरी का और इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी फैसला आ चुका है उस ऑर्डर को अपहोल्ड करते हुए, तो एक प्लानिंग और एक षड्यंत्र चल रहा है कि कैसे भी करके वहां पे पूजा रोकी जा सके और उसके लिए कोर्ट के बाहर के जो हटकंदे हैं उसको भी अपनाया जा रहा है। इसलिए हमने कोर्ट में मामला लाए लीगली रिसर्च के साथ और कोर्ट में पिटीशन फाइल की है कि किस तरह से वहां पे छत गिराने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डायरेक्ट किया जाए कि उसको रोके कि वहां पे छत ना गिर सके और साथ ही साथ जो पूजा पाठ चल रही है कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस में वो निर्विघ्न रूप से चलती रहे। अगर ऐसा होता है जैसे बता रहे तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी? नहीं, काफ़ी मुझे लगता है अगर ऐसा होता है तो पहले तो बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी, जो लोग वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं उनकी जान माल को खतरा होगा, साथ ही साथ जो पूजा हो रही है वो रुक जाएगी। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय न्यायालय इसका संज्ञान लेगा और जल्द से जल्द आदेश पारित करेगा। और मैं बात ये भी बताना चाहता हूँ आपको, जो मैंने प्रार्थना पत्र लगाया है ऐसा सिमिलर प्रार्थना पत्र काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने भी लगाया है, तो इस समय दोनों प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में स्वयं विचाराधीन है। बता दें कि विष्णु शंकर जैन के अलावा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने इस मामले को लेकर कोर्ट का रुख किया है। ट्रस्ट ने भी अदालत से छत की मरम्मत और वहां पहुंचने वाले नमाजियों की संख्या में कमी करने की मांग की है। दरअसल वाराणसी की जिला अदालत ने जनवरी महीने के आखिरी दिन ये आदेश दिया था कि ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा की जा सकती है। इस तहखाने में पूजा का जिम्मा अदालत ने काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से नॉमिनेट किए जाने वाले पुजारी को दे दिया था। अदालत ने ये पूजा वाराणसी के डीएम की देखरेख में करने को कही थी। फैसले के करीब 8 घंटे बाद तहखाने में पूजा की गई और अगली सुबह आरती हुई। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पूजा पर रोक की मांग की। इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।